गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन रंका जी। प्यारी सत्संगत जी, आध्यात्मिक भजन चैनल पर आज का टॉपिक है होलिका दहन। प्यारी सत्संगत जी, होलिका दहन ये त्यौहार जो आता है, पूरे देश में होली जलाई जाती है, तो ये किसका प्रतीक है? इसके पीछे एक संदेश है कि असत्य पर सत्य की विजय। तो त्यौहार जो होलिका दहन है, होली तो सारे जलाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक संदेश है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य का साथ पकड़ लेता है ना, उसकी विजय हमेशा होती है। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है। हर युग में, चाहे सत्ययुग की बात है, होलिका दहन सत्ययुग की बात है, उस टाइम पे एक राजा था हिरण्यकश्यप, उसके राज्य में अधर्म था, अत्याचार था, और एक भक्त पर अत्याचार हुआ, भगवान के भक्त पर। तो जब भगवान के भक्त पर अत्याचार होता है तो भगवान को बर्दाश्त होता नहीं है। और भक्त प्रहलाद महान भक्त है, उनका विश्वास राम पे अटूट था, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप बार बार बोलते कि भगवान मैं हूँ, मुझे भगवान बोलो। तो उनकी सारी प्रजा डर के कारण उन्हें भगवान बोलती थी, और वो वरदान भी उनको मिला हुआ था कि ना वो दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना अंदर मरेंगे, ना बाहर मरेंगे, ना सवेरे ना शाम को। बहुत सारे उनको वरदान प्राप्त थे। तो जब किसी भी इंसान को कोई वरदान मिल जाता है ना, तो खुद को भगवान मान लेता है वो, उसके अंदर अहंकार आता है, और ये अहंकार आदमी का नाश कर देता है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मार आ गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो बड़े बड़े अहंकारिया नानक गढ़ तले कि अहंकार ने सबको मारा है, कि हाल हिरण्यकश्यप का हो गया, कि हिरण्यकश्यप का विनाश हो गया। सारे स्टोरी जानते हैं, दास उतना डिटेल पे जाएगा नहीं, हम सब ने कहानियां तो पढ़ी हैं, भक्त प्रहलाद जी की, हिरण्यकश्यप जी की, कि भक्त प्रहलाद का विश्वास अटूट था कि इतना अत्याचार जुल्म उन्होंने झेला अपने पिता का, सिर्फ एक बात पे कि पिता ने बोला कि मुझे भगवान बोलो, लेकिन बेटा बोलता है कि नहीं, राम राम है, हरी हरी है, आप इंसान हो, और इंसान जो है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि पूरा ही निरंकार पूरा है, ईश्वर पूरा है, और इंसान अधूरा होता है। परफेक्ट है केवल परमात्मा ईश्वर। तो ये भक्त को एहसास था, भक्त ने इसका एहसास किया कि पूरे हमारे राम हैं, ये हमारे जो पिताजी हैं इंसान है, हमारे पिताजी जिन्होंने जन्म दिया है ठीक है, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकते। तो भक्त का जो विश्वास था भगवान पे अटूट था, अटल विश्वास था। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई हिरण्यकश्यप को, ये बात हजम नहीं हुई, और इस कारण वो भक्त प्रहलाद को टेंशन देने लगा, बहुत टॉर्चर करने लगा, यहाँ तक कि जान से कई बार मारने का प्रयास किया गया, पहाड़ के ऊपर से फिकवा दिया गया, जहरीले सांपों के बीच में डलवा दिया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, लेकिन भक्त का विश्वास कभी डावाडोल हुआ नहीं। भक्त का विश्वास अटूट होता है अपने भगवान के प्रति। तो फिर प्लानिंग लास्ट में की गई, अपनी बहन के साथ प्लानिंग की गई, साजिश, इसे आज हम कहते हैं साजिश। उनकी बहन को भी वरदान प्राप्त है कि एक चूनर है, ये चूनर आप ओढ़ के आग में बैठोगे तो आप जलोगे नहीं। तो साजिश की प्रहलाद को लेकर आग में आप बैठ जाओ तो आप बच जाओगे और ये जल जाएगा। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था। तो ये प्रोग्राम बनाया गया, पूरी जनता जो राज की थी सब जमा हो गई, और होलिका अपनी चूनर
ओढ़ के आग में बैठ गई और गोद में लिया भक्त प्रहलाद को। तो हुआ इसका उल्टा, जल गई होलिका, होलिका दहन हो गया, होलिका राख हो गई और भक्त बच गया। तो सत्य की जीत, असत्य कितना ही पावरफुल हो लेकिन सत्य से जीत नहीं सकता, क्योंकि सच हमेशा शक्तिशाली होता है। तो होलिका दहन की जो पूरी परंपरा चली आ रही है तब से, सत्युग से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। हिरण्यकश्यप का राज था, उसमें भक्त प्रहलाद जी थे और उनको जलाने के लिए होलिका ने गोद में बिठाया और होलिका दहन हो गया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो तब से लेकर आज तक परंपरा ये होली का जब रंग खेलते हैं उसके एक दिन पहले शाम को, रात को पूरे देश में होली जलाई जाती है। और उसके बाद जो अंत में क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को निरंकार ने, प्रभु ने नृसिंह अवतार लेकर चीर फाड़ दिया, खंभे से भगवान प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे प्रभु तो खंभे में भी हैं, और परमात्मा तो अपने भक्तों को विश्वास देते हैं कि गर्म रॉड में एक चींटी को उन्होंने देखा तो उनका विश्वास पक्का हो गया कि जब ये चींटी इस गर्म रॉड पे चल रही है, खंभे पे चल रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, ये विश्वास। और जब एक कुम्हार के पास गए वो, और कुम्हार घड़े बना रहा था और घड़े वो आग में रखकर पका रहा था, तो जो आग का वो पूरा गोला था जिसके अंदर घड़े थे, उसके अंदर बिल्ली के बच्चे, और बिल्ली के बच्चे भी सलामत। तो ये सारी जो घटनाएं थी, भक्त प्रहलाद के मन पर एक असर डाल गई कि प्रभु की इतनी ताकत, इतनी शक्ति कि घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे बच गए जबकि घड़ा आग के अंदर है, पक रहा है, और उसके अंदर बच्चे बिल्ली के हैं, और निरंकार ने उनको बचा लिया, राम ने उनको बचा लिया। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को विश्वास देते हैं, तुझ में मुझ में खड़क खम में राम, ये विश्वास कि हर जगह राम, कन कन में राम, रोम रोम में राम, ये अटूट विश्वास भक्त प्रहलाद का। और इसी विश्वास के कारण भक्त प्रहलाद की जीत हुई, होलिका दहन हो गया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। तो जब भी भक्ति का जिक्र आता है, भक्तों का जिक्र आता है, तो बात होती है विश्वास की, अटूट विश्वास की, अटल विश्वास की। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, पक्का है परमपिता परमात्मा पे, तो फिर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, और प्रॉब्लम्स आती भी है तो हट जाती है, क्योंकि भगवान सदा सहायी होते हैं, प्रभु अपने भक्तों के साथ में हमेशा होते हैं। तो ये होलिका दहन का जो त्यौहार है, यही संदेश दे रहा है कि अधर्म, अत्याचार, असत्य एक न एक दिन समाप्त होता है, मिटता है, और सत्य की सदैव विजय प्राप्त होती है। सच जो पुरुष होता है, सच्चा इंसान जो होता है, सत्य पुरुष, वो हमेशा जीतता है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सत्संग जी प्यार से बोलिए धनरंकार जी।